मैं आप सभी को आज बताऊंगा आरब मेटेलिकम के बारे में। जो हमारी मेडिसिन आरब मेटेलिकम है ये 1 इम्पोर्टेंसी की लेना है। अब इसके बारे में जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं जो चीज़ लिखा हुआ वो पूरा कवर करेगी। इसको हम विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और जनरली जो होता क्या है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है गाइस उसमें ये होता है कि जो अगर माइंड सिम्टम्स आपके पकड़ में डॉक्टर को आ गया तो समझिए एकदम मेडिसिन रामबाण की तरह काम करेगी, क्योंकि इसका जो माइंड सिम्टम होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यही सारे डॉक्टर्स को समझना होता है और पेशेंट को बताना होता है। अगर पेशेंट नहीं भी बता पा रहे हैं तो डॉक्टर को अपने स्किल के हिसाब से उसको समझना होता है, क्योंकि सारी मेडिसिन जो होती है ये लगभग नर्व लेवल पे काम करती हैं और न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं। और ये कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं बहुत देर से काम करती हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्यूट केस में सडन ऑनसेट रिस्पॉन्स आता है, बट जो क्रॉनिक केस होते हैं जैसे ऑटोइम्यून डिजीज हो गई या फिर और भी स्किन की प्रॉब्लम हो गई, उसमें गाइस क्या होता है कि थोड़ा समय लगता है और उसमें धीरे धीरे करके रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि उसमें पेशेंट पूरी बात बता भी नहीं पाता और पेशेंट जितनी देर कोई बीमारी को आने में लगता है उतना ही समय उसको जाने में भी लगता है। हो सकता है थोड़ा जाने में जल्दी या कम समय लगे। मैं आपको आरब मेटेलिकम बता रहा था। तो आरब मेटेलिकम होता क्या है कि सुसाइडल नेचर होता है। मतलब कहने का कि जो भी व्यक्ति होगा, जो भी फीमेल्स होगा, मेल्स होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उसके मन में ऐसी बार बार आने लगता है कि अब हमारा जीना बेकार हो गया। मतलब लोथिंग ऑफ लाइफ, अपने जीवन से निराश हो जाता है, थक जाता है। और साथ ही साथ में इसके मन में हमेशा ये लगता है कि अब जीना हमारा व्यर्थ है और हमेशा वो सोचता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको समझाता है, समझाने का प्रयास करता है तो और भड़क जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ सोचता है उससे वो हट नहीं पाता, उसके मन में, उसके दिमाग में वो चीज़ घर कर जाती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि वो सुसाइडल टेंडेंसी उसको आई क्यों? क्यों अपने जीवन से वो हताश और निराश हो गया? किसी की बात समझने पर भी वो समझ नहीं रहा कि बस जीवन अब यही है और इसके बाद कोई जीवन में और कुछ है नहीं। तो ये हो क्या सकता है, कारण क्या हो सकता है गाइस? तो नंबर एक कारण ये हो सकता है कि अगर वो बिजनेसमैन है या बिजनेस में उसको बहुत ज़्यादा हानि हो गई है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो ये दिक्कत आ सकती है। या फिर उसके भाई की डेथ हो गई हो, कोई भी बंदा हो, मेल या फीमेल, उसकी बहन की या फिर उसकी मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम हो गई जिससे उसकी डेथ हो गई हो, ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है और उसके मन में ये लगने लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं है। साथ ही साथ इस मेडिसिन पे ये भी है कि आजकल कंबाइंड फैमिली कम, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, तो कभी कभी ग्रह क्लेश होता है। मतलब घर में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से भी व्यक्ति शोक में चला जाता है या दुखी हो जाता है इंटरनली, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो अगर आपकी जो बहुत खास है, जैसे मान लीजिए पति पत्नी में कोई चला गया, चल बसा, या फिर फादर मदर में, या फिर कोई आपकी बहुत ही जो खास है उसकी सडन डेथ हो गई, इसे आप बहुत मानते हैं या बहुत ज़्यादा उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो इसका भी एक कारण ये है कि आपका मन कहीं नहीं लगता, 24 घंटा वही सोचता है। उसके बाद में आपका मन इतना दुखी हो जाता है कि आपके मन में सुसाइडल थॉट आने लगते हैं कि कैसे सुसाइड किया जाए, मीन्स किस तरीके से किया जाए, और उसका मन हमेशा एकदम पागलपन जैसा हो जाता है, किसी की नहीं सुनता है और थोड़ा सा भी उससे बात करिए तो हमेशा चिड़चिड़ा जाता है। लेकिन एक मेडिसिन से आप जानते होंगे पल्सेटला। पल्सेटला में क्या होता है कि उसमें जो पेशेंट होता है वो माइल्ड, जेंटल होता है और बहुत ही मृदु स्वभाव का होता है। बट जो आरब मेटेलिकम का पेशेंट होता है ये जस्ट अपोजिट होता है, ये बहुत ही इरिटेटिव होता है, बहुत ही गुस्से वाला होता है और बहुत ही रिएक्टिव होता है। इससे आप कुछ भी बात करेंगे तो एकदम इरिटेट हो जाएगा। इसमें उसका मेंटल इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि कई सुसाइड कर बैठते हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता और कोई उसको नॉलेज देने वाला नहीं होता। तो ये चीज़ें बहुत ही उसके मन में बैठ जाती हैं जो हट नहीं सकती हैं। तो इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, एकदम वंडर रिजल्ट आता है। और इस तरह की कोई भी पेशेंट अगर आपको गाइस दिखता है तो आप उसे सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं और इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है। अभी मैं इसको लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि इस मेडिसिन का और भी कुछ फीचर है उसको मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताऊँगा। तो इसके बाद कभी होता क्या है कि आपको रात में, मतलब नाइट में, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जो बच्चे होते हैं उनका जो स्क्रोटम होता है वो सूख जाता है, और जो बड़े लोग होते हैं उसके स्क्रोटम में स्वेलिंग हो जाती है, जैसा कि फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। और इनकी जो भी दर्द होता है या फिर जो भी पेन होता है या फीवर होगा मिड नाइट में, मतलब आधी रात को ये बढ़ जाता है, मतलब अग्रवेट कर जाता है। कई इस मेडिसिन में एक फीचर और ये भी है,
जब भी मोतियाबिंद का डिजीज होता है, मोतियाबिंद से आप परेशान हैं, तो उसमें आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। बट इस मेडिसिन में क्या होता है कि आपको नीचे का हिस्सा तो दिखाई देता है किसी भी वस्तु का, लेकिन ऊपर का हिस्सा आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन एसिड म्यू में क्या होता है कि उसमें दोनों ऊपर नीचे दोनों दिखाई देता है, तो भी इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इस मेडिसिन को जिसने डिस्कवर किया है, जो होम्योपैथी के फादर हैं डॉक्टर हैनीमैन साहब जी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। उन्होंने कहा है कि जो लो पोटेंसी होती है उससे ज़्यादा अच्छी काम करती है हायर पोटेंसी। ज़्यादातर डिजीज में हायर पोटेंसी का यूज़ करना चाहिए गाइस, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस शरीर में बहुत सारी हमारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे जांघों के बीच में, आर्मपिट में, और भी जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाती है, या फिर जो मेमरी ग्लैंड होती है जहाँ से मिल्क का सिक्रीशन होता है, वहाँ अगर शोध हो जाए, मींस कहने का इन्फ्लामेशन हो जाए, रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो वहाँ भी आरा मेटेलिकम से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हैनीमैन साहब ने इसका यूज़ करके दिखाया और इस मेडिसिन को प्रिपेयर किया है। ये मेडिसिन बनती किससे गाइस? तो ये मेडिसिन जो बनती है वो गोल्ड, आप जानते होंगे सोना, आप सोचेंगे कि सोना इतना सॉलिड होता है या उससे कैसे बनेगी, तो ये एक प्रक्रिया है, वो बहुत लंबी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन हैनीमैन साहब ने हमारे गोल्ड सोने से इस मेडिसिन को बनाया है, तो इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक ऐसी मेडिसिन बना दिया है जिससे बहुत सारे पेशेंट लाभ उसका उठा रहे हैं और आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, आरा मेटेलिकम में अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस मेडिसिन को लेने से आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन बीपी की बहुत सारी मेडिसिन है, उसको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, बट अभी इसमें केवल आरा मेटेलिकम की बात होगी। आरा मेटेलिकम हाई ब्लड प्रेशर में भी दिया जाता है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो आरा मेटेलिकम एक और अच्छा फीचर वो ये है कि ये खुले में रहना पसंद करता है, मतलब ओपन एयर में रहना पसंद करता है। इसको सुबह की और फिर हवादार जहाँ पर भी इस तरह का माहौल है, मौसम है, उसे अच्छा लगता है। बट अंतर यह है कि ये पल्सेटला के पेशेंट में भी होता है, वो भी ओपन एयर चाहता है, बट पल्सेटला में ये होता है कि पेशेंट बहुत ही सीधा साधा होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही माइल्ड उसका नेचर होता है। बट आरा मेटेलिकम का जो पेशेंट होता है ये जस्ट अपोजिट होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, और अब थोड़ी सी बात करिए तो एकदम भड़क सा जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आरम का पेशेंट है या फिर पल्सेटला का पेशेंट है। अब गाइज ये बात आती है कि आरा मेटेलिकम को लेना कैसे है। आप किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से 1 mg पोटेंसी की लेना है, आरम मेटेलिकम और 1 mg, या फिर इसका दूसरा नाम है आरम मेट 1 mg, इस शॉर्ट में नाम है, तो इसको आप ले लीजिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को लीजिए, और इसके बाद में ये 10 दिन तक लीजिए या 15 दिन तक लीजिए। इसके बाद अगर आपको रिजल्ट आ जाता है तो धीरे धीरे करके इसको बंद कर दीजिए, और इसके बाद भी अगर आप नहीं ठीक होते हैं तो आप किसी भी डॉक्टर से या मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। गाइस अगर इस तरह के नॉलेज वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, या होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो इस चैनल पे कमेंट कर दीजिए, और या फिर लिख के बता दीजिए हमें ये चीज़ नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको उस पर एक छोटा सा वीडियो या बड़ा सा वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगर इस तरह के नॉलेज वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नॉलेज नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। मैं डॉक्टर देवेंद्र, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइज़।